अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन सैंडविच। इसे बनाने के लिए हमने 1.5 किलो बोनलेस चिकन लिया, 2 आलू लिए। चिकन और आलू को हमने प्याज और हरी धनिया डाल के बॉईल कर लिया है। हमने आधे बन गोभी को बारीक चॉप कर लिया है, 1 गाजर को चॉप कर लिया और 1 शिमला मिर्च लिया है। मसालों में हमने 1 स्पून चिकन 65 लिया है, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ब्रेड का 1 पैकेट। चिकन और आलू को हमने बॉईल कर निकाला था। उसी पानी में हम मसाला ऐड करेंगे। इसमें हम सभी सब्जियों को ऐड करेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। फिर मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। ये पकने तक चिकन को हम शेड कर लेंगे। हमने चिकन शेड कर लिया है। उसमें आलू को ऐड करके आलू को स्मैश कर लेंगे। आलू जो अच्छे से मैश हो गया है। हमने जो 5 मिनट के लिए वेजिटेबल को पकने डाला था, चिकन और आलू को उसमें ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी भी इसका पूरी तरह से सूख चुका है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। एक ब्रेड पर पुदीने की चटनी लगाएंगे। चटनी लगाने के बाद हम चिकन को इसमें फिल करेंगे। दूसरे ब्रेड से इसे बंद कर देंगे। दूसरे ब्रेड को भी हम इसी तरह से, सभी ब्रेड को हम इसी तरह से बना लेंगे। हमने ब्रेड को टोस्टर में रखने के लिए थोड़ा सा ऑयल लगाया है। नीचे ऊपर दोनों तरफ ऑयल लगाना है। ब्रेड टोस्टर को बंद कर देना है। हमारा ब्रेड टोस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से सब सैंडविचों को टोस्ट कर लेना है। इस सैंडविच को आप टोस्टर के अलावा तवे पर भी सेक सकते हो। आप इसे ऑयल या बटर दोनों में से कोई भी चीज़ लगा के सेक सकते हो। हमारा चिकन सैंडविच रेडी हो चुका है। आप इसे चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।